तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। मेरा नाम है डीसी और दोस्तों आज कोई रिव्यू नहीं होगा। आज दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ टॉप 10 पायरेट मूवी के बारे में। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हमारे 10वें नंबर पे आती है पैन, जो कि रिलीज हुई थी 2015 में। हाँ दोस्तों, और इसकी कहानी के बारे में बताऊँ तो दोस्तों एक बच्चा होता है जो अपने स्कूल करियर से बहुत ही मतलब समझो जिंदगी से थोड़ा परेशान हो गया होता है। और एक रात को सोता है और एक सपना देखता है दोस्तों कि काश मैं भी एक जहाज में बैठकर पूरी दुनिया का एडवेंचर कर सकता, या कहूँ कि पूरे ब्रह्मांड का। हाँ दोस्तों, उसे एक सपना आता है और वो जहाज में निकल पड़ता है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, पहले ब्रह्मांड में जाता है, फिर समंदर में तबाही मचाता है। मतलब कि दोस्तों कोई लड़ाई बड़ाई नहीं करता, बस एक किताब मिलती है उसे खजाने की। हाँ दोस्तों, ये समझो थोड़ा पायरेट जैसा है, मतलब पायरेट ही बन जाता है। और फिर जंगल में जाता है, कुछ जादूगर उसके पीछे पड़ते हैं और ये सब मूवी में दिखाया गया है दोस्तों। अभी तक आपने शायद ये मूवी नहीं देखी होगी, अब ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगा वरना मूवी इधर ही निपटा दूंगा मैं। अगर दोस्तों ये मूवी नहीं देखी तो आप देखिए। तो हमारे 9वें नंबर पर आती है द पायरेट्स द लास्ट रॉयल ट्रेजर। हाँ दोस्तों, ये रिलीज हुई थी 2022 में और दोस्तों ये एक साउथ कोरियन मूवी है। हाँ दोस्तों, लेकिन आपको ये फील हॉलीवुड की टक्कर जैसी देगी दोस्तों, क्या ही गजब की मूवी है। और दोस्तों इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो इसमें एक लड़की पायरेट होती है। हाँ, और दोस्तों इसके हाथ एक नक्शा लगता है और वो निकल पड़ती है सातों समंदर को चीर के उस खजाने की तलाश में दोस्तों। हाँ, और ये स्टोरी ज़्यादा नहीं कहूँगा दोस्तों वरना मैं इधर ही पूरी की पूरी मूवी को निपटा दूंगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने मूवी नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी में, जाके देखिए। और दोस्तों हमारे 8वें नंबर पे आती है द वाटर वर्ल्ड। हाँ दोस्तों, ये रिलीज हुई थी 1995 में। और दोस्तों इसकी कहानी की बात करें कि दोस्तों इसमें होता है गरीबी वाला माहौल। हाँ दोस्तों, समझ रहे ना भाई, पायरेट की मूवी है तो भाई सब लफंगे ही होगी। हाँ वो दोस्तों इसमें एक होता है आइलैंड, जहाँ पर एक इंसान निकल पड़ता है जहाज लेके, वहीं से दोस्तों स्टोरी शुरू होती है। और दोस्तों वो कैसे सर्वाइव करता है उन कातिलों के बीच, वही दिखाया गया है इसमें दोस्तों। बंदूकें और सब कुछ होगी तो, और प्यार मोहब्बत सब कुछ। अगर दोस्तों आपने मूवी नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, अच्छी मूवी है, वन टाइम वॉच है दोस्तों। और दोस्तों हमारे 7वें नंबर पे आती है पीटर पैन, जो कि रिलीज हुई थी 2003 में। और इसकी कहानी के बारे में बताया ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही बता देते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एक लड़की होती है, स्कूल जाती है और बोर हो जाती है अपनी ज़िंदगी है। तभी एक बच्चा आता है जिसका नाम होता है पैन, मतलब पीटर पैन वही होता है जो जहाज़ में उस लड़की को बैठा कर ब्रह्मांड की शेयर कराता है, पूरी पृथ्वी का एक सफ़र तय करता है और निकल पड़ता है उसे घुमाने में। और दोस्तों उसे आपस में प्यार हो जाता है और वहीं होती है विलन की एंट्री और वहीं से पिक्चर की स्टोरी शुरू होती है। और ज़्यादा बताऊँगा नहीं वरना इधर ही निपटा दूंगा, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे 6वें नंबर पर आती है द गूनिस, जो कि रिलीज हुई थी 1985 में। और दोस्तों इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, जो कि अभी तो बड़े हो गए होंगे। और इसकी कहानी की बात करें तो दोस्तों ये निकल पड़ते हैं किसी खजाने की तलाश में। पहले तो इसे स्कूल में एक नक्शा मिलता है दोस्तों, जो कि होता है समंदर के बीचों बीच किसी आइलैंड पे खजाने के बारे में। और दोस्तों सारे के सारे सब लोग प्लान बनाते हैं कि चलो ढूंढते हैं। और आज दोस्तों इसमें एक आपस में किसी लड़की भी होती है जिसको किसी के साथ प्यार भी हो जाता है। और मजाक के अंदाज में दोस्तों ये मूवी हमको दिखाई गई है। और इसमें लुटेरे यानी कि पायरेट्स भी होते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये मूवी आपने अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे 5वें नंबर पर आती है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन टेल नो टेल्स, जो कि रिलीज हुई थी 2017 में। और दोस्तों इसमें मेन स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें है जॉनी डेप, जिन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सीरीज को संभाला है दोस्तों। उस किरदार का नाम है कैप्टन जैक स्पैरो। हाँ दोस्तों, ये यही लुटेरा है जिसने सबके दिलों पर राज किया है। और इस दोस्तों मूवी में फोकस करें और इसकी स्टोरी की बात करें तो दोस्तों भाई जैक स्पैरो यहाँ पर कंगाल, और समझो कि उसके पास कुछ नहीं बचता, उसका जहाज भी नहीं जो कि होता है बोतल में बंद। और दोस्तों यहीं पर स्टोरी की शुरुआत होती है। वो कंपास अपना दे देता है किसी दारू वाले को और वहाँ से शराब खरीदता है। और तभी उसका दुश्मन छालादार बदला लेने के लिए उस गुफा से बाहर आता है और वहीं से स्टोरी की शुरुआत होती है। अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, बढ़िया मूवी है दोस्तों। और दोस्तों हमारे 4थे नंबर पे आती है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्टेंजर टाइड्स। हाँ दोस्तों, ये पायरेट का 4था पार्ट है। और दोस्तों इसमें भी जॉनी डेप यानी कि कैप्टन जैक स्पैरो कमाल का किरदार निभाते हुए दिखेंगे दोस्तों आपको।
और दोस्तों इसकी मेन स्टोरी की बात करें तो भाई एक नक्शा होता है जिसमें होता है अमृत, यानी कि मृत्युंजय अमृत का राज छुपा हुआ कि किधर मिलेगा दोस्तों। हाँ, वो नक्शा होता है भाई जैक स्पैरो के पास और उसके पाछे कोई सुरा लेता है और दोस्तों वो होता है गिब्स। हाँ भाई, थोड़ी स्टोरी तो बता ही सकता हूँ। और भाई इसके पीछे पड़ता है और दोस्तों जैक स्पैरो के पीछे पड़ जाता है ब्लैक बियर्ड। हाँ दोस्तों, और भाई वहीं से कहानी शुरू होती है कि कौन अमृत ढूंढेगा और कौन उसका स्वाद चखेगा, वही मेन स्टोरी है दोस्तों। अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे तीसरे नंबर पे आते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड एंड्स। हाँ दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ऐसा लगा था हमें, लेकिन हुआ नहीं। और दोस्तों यहाँ पर कैप्टन जैक स्पैरो तो मर चुका है, तो आगे हुआ क्या? तो दोस्तों उसकी ज़रूरत अभी भी है, मरने के बाद भी। तभी दोस्तों वो एक नक्शा ढूंढते हैं कि वो दूसरी दुनिया में जाके समंदर में उस पार जाके उसे वापस लाएंगे दोस्तों, और उसी में सभी की भलाई होती है दोस्तों। इसलिए वो निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए और वो मिल भी जाता है। पर दोस्तों उसका दिमाग कितना शातिर और तेज होता है कि दोस्तों ढूंढने तो वो आए होते हैं लेकिन वो दोस्तों निकलने का पहले ही रास्ता बना चुका होता है। जब वो दोस्तों किनारे पे फिर कदम रखता है जिंदा होके, तब दोस्तों एक अलग ही फील आती है। हाँ भाई, हमें भी आई थी, क्योंकि मूवी हम भाई देखते नहीं, हम खुद जीते हैं कि मूवी क्या है दोस्तों अपने आप में। और दोस्तों जब वो जिंदा होता है, मतलब कि वो फिर असली दुनिया में आता है, तब वहीं से कहानी शुरुआत होती है दोस्तों। बहुत ही गजब की कहानी है दोस्तों। अगर ये मूवी आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि कैप्टन जैक स्पैरो क्या क्या कर सकता है। और दोस्तों हमारे दूसरे नंबर पे आती है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन सेट, जो कि रिलीज हुई थी 2006 में। और दोस्तों इसमें भी हमारा कैप्टन जैक स्पैरो आग लगाते हुए दिखेगा दोस्तों, यानी कि कमाल का एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा और मज़ेदार कॉमेडी। वो बना होता है दोस्तों मूवी के शुरुआत में कबीले का राजा। हाँ दोस्तों, कुछ स्टोरी में क्या कहे, ट्रायलंगर फंसा हुआ होता है क्योंकि समंदर के बीच वो रह नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे पड़ा होता है डेवी जोन्स और ज़मीन पर भी होता है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का हाथ। हाँ दोस्तों, जाए तो जाए कहाँ भाई, लेकिन दोस्तों इस मूवी में जितना मैं स्टोरी में आसान बता रहता हूँ उतना कुछ होता नहीं है। गजब की स्टोरी लाइन और कमाल की मूवी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे पहले नंबर पे आती है वन ऑफ द बेस्ट मूवी इन माय लाइफ, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल। हाँ दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 में और इसी वक्त एक लेजेंड ने अपना किरदार निभाया था, जॉनी डेप, यानी कि कैप्टन जैक स्पैरो के नाम पे। हाँ दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। यहाँ पे कैप्टन जैक स्पैरो की एंट्री होती है और वहीं से दिल की धड़कनें तेज होती है दोस्तों। हाँ, ये मूवी आपको देखनी चाहिए, एकदम खतरनाक और ब्लॉकबस्टर मूवी इन दिस लेजेंड्स। हाँ दोस्तों, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू। और दोस्तों हमारा ये आपको वीडियो या कहे पायरेट्स टॉप 10 पायरेट्स की लिस्ट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।